नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे बिहारी जी द्वारा रचित रचना बिहारी सतसई। देखिए, बिहारी रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं और रीति काल में भी रीति सिद्ध काव्य के कवियों में ये प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं। तो आइए इनकी रचना और इनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, बिहारी जी का जन्म 1995 ईस्वी में हुआ और कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता, ऐसे माना जाता है कि इनके पिता जब ये बचपन में छोटे थे, लगभग 8-1 वर्ष के, तभी इनके पिता ओरछा राज्य में चले गए थे, ओरछा राज्य में जाकर बस गए थे और इनका बचपन बुंदेलखंड में ही बीता था। इनके गुरु नरहरि दास थे, परंतु इनके जो काव्य गुरु है वो इन्होंने केशव दास को बनाया। केशव दास कौन से केशव दास? आचार्य केशव दास, जो रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनको इन्होंने अपना काव्य गुरु स्वीकार किया। राजा जयसिंह के ये दरबारी कवि रहे। हालांकि दिल्ली के बादशाह जो शाहजहां थे, उन्होंने पहले इन्हें अपने दरबार में निमंत्रण किया था, परंतु ये वहां ना जाकर जयपुर चले गए थे। और वहां जयपुर में जाने के बाद जब इनको पता चला कि राजा जयसिंह अपने विवाह के पश्चात राजकाज के कार्यों से विमुख हो गए हैं, तो इन्होंने उनके पास एक दोहा लिखकर भेजा जो कि बहुत प्रसिद्ध है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। और जब राजा जयसिंह ने इस दोहे को पढ़ा तो उनका मन परिवर्तित हो गया और वो राजकाज के कार्य में अपना पूर्ण योगदान देने लगे। और राजा जयसिंह इनसे इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कि प्रतिदिन एक दोहे के बदले इनको एक अशर्फी प्रदान करते थे। दिल्ली बादशाह जो शाहजहां हैं, वो भी इनसे काफ़ी प्रभावित रहे। इनकी एक ही प्रसिद्ध रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है बिहारी सतसई। इसी ग्रंथ की वजह से इन्होंने अमरता प्रदान की है हिंदी साहित्य में। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में मानी जाती है। आइए अब बात करते हैं इनकी रचना के बारे में। इनकी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। देखिए, रीति सिद्ध कवियों में बिहारी की एकमात्र रचना हमें प्राप्त होती है, वो है बिहारी सतसई। इसमें 6713 दोहे संकलित हैं, जिसमें से 600 दोहे श्रृंगार रस से संबंधित है और यहाँ पर संयोग और वियोग, श्रृंगार दोनों का ही, संयोग और वियोग दोनों का ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। लेकिन कवियों ने ये माना है कि इनका संयोग श्रृंगार की बजाय जो वियोग श्रृंगार है वो बहुत ही ऊहात्मक है, यानी बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने वियोग श्रृंगार का चित्रण किया है। इसके साथ जो शेष 113 दोहे हैं बिहारी सतसई के, उन दोहों में भक्ति से संबंधित दोहे हैं, नीति से संबंधित है, वैराग्य से संबंधित है, प्रकृति वर्णन से संबंधित, चित्रकला, आडंबर और अपने आश्रयदाता का यशोगान से संबंधित दोहे हैं। आश्रयदाता कौन है? राजा जयसिंह है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने केवल श्रृंगार को आधार बनाकर ही अपनी सतसई की रचना नहीं की, बल्कि अन्य विषयों को पूर्ण गंभीरता के साथ इन्होंने उठाया है। इसके साथ साथ इनका अगर प्रकृति चित्रण की बात करें तो इन्होंने प्रकृति के आलम्बन, उद्दीपन और मानवीकरण का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकृति का चित्रण यहाँ पर किया है। मुक्त काव्य परंपरा में ये एक श्रेष्ठ कवियों में शामिल है, क्योंकि इनके जो बिहारी सतसई है ये एक मुक्तक ग्रंथ माना जाता है या मुक्तक काव्य रचना मानी जाती है। इसमें कल्पना की संहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति बहुत ही सुंदर बन पड़ी है या देखने योग्य है। देखिए, बिहारी सतसई के बारे में अगर हम इसकी प्रसिद्धि की बात कहें तो ब्रजभाषा में रचित होने के साथ ही विद्वान ये मानते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी सतसैया के, सतसई के जो दोहे हैं वो नाविक के तीर के समान हैं, जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आपको ये भी बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इसकी भाषा कौन सी है। ये ब्रज भाषा में रचित है, सतसई जो है ब्रज भाषा में रचित है। और रामचरित मानस के बाद, क्योंकि रामचरित हिंदी साहित्य का एक विशेष ग्रंथ माना जाता है, पूजनीय ग्रंथ माना जाता है, और रामचरित मानस पर भी अनेक टीकाएं लिखी गई है, तो हिंदी साहित्य में ये दूसरी ऐसी रचना है, कौन सी? बिहारी सतसई, जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। यानी पहले नंबर पर रामचरित मानस की मानस है जिस पर बहुत ज़्यादा टीकाएं लिखी गई है, और उसके बाद अगर किसी का स्थान है तो वो बिहारी सतसई का है, जिसको आधार बनाकर अनेक ग्रंथों की रचना की जा चुकी है। इस रचना की प्रसिद्धि का बखान करते हुए डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी बताया है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई अन्य रचना नहीं है। ये आप इनकी परिभाषा दे सकते हैं डॉक्टर
ग्रियर्सन की, ये आप डाल सकते हैं जब आप इससे संबंधित प्रश्न को तैयार करेंगे। ये मानते हैं कि यूरोप में बिहारी सत्सई के समान अन्य कोई रचना नहीं है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल की परिभाषा भी आप दे सकते हैं। आचार्य शुक्ल के विचार क्या है, इस आचार्य शुक्ल ने क्या माना है कि इसके दोहे रस की पिचकारियां हैं। किसके दोहे? बिहारी सत्सई के दोहे रस की पिचकारियां हैं। वे एक मीठी रोटी है जिसको जिधर से तोड़ा जाए उधर से ही मीठी लगती है। ये इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन दोनों के विचारों को आप इस प्रश्न में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।